खबरें न्यूज दिल में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। शनाया कपूर के पहले फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। हाल ही में मम्मी महीप कपूर ने अपनी बेटी शनाया कपूर की कुछ तस्वीरें एक बार फिर से फैंस के साथ शेयर कर दी है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शनाया कपूर ने इंटरनेट की दुनिया में तबाही मचाने का मन बना लिया है। काफी समय से खबरें आ रही है कि शनाया कपूर बहुत जल्द ही बॉलीवुड में कदम रख सकती है। इसी बीच उन्होंने अपना फोटोशूट करवाया है जिसमें शनाया कपूर बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है। शनाया ने अपने फोटोशूट में व्हाइट कलर की पैंट के साथ डेनिम की जैकेट कैरी की है। अपने इस लुक के साथ शनाया ने काफी नेचुरल मेकअप किया है, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर शनाया की तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है। 220 फिल्में करने वाले जैकी श्रॉफ बोले, अब मेरी पहचान टाइगर के पिता के रूप में। बॉलीवुड में बीड़ू के नाम से फेमस जैकी श्रॉफ ने हाल ही में बताया कि टाइगर के पिता होने पर उन्हें कैसा महसूस होता है। जैकी श्रॉफ का मानना है कि उनके बेटे टाइगर अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में हैं। जैकी श्रॉफ का यह भी कहना है कि टाइगर अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। टाइगर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे छोटे एक्शन हीरो है। जैकी श्रॉफ ने यह भी बताया कि बॉलीवुड में कई फिल्मों करने के बाद भी उन्हें टाइगर श्रॉफ के फादर के रूप में जाना जाता है। जैकी श्रॉफ ने कहा, मेरा बेटा दुनिया का सबसे छोटा एक्शन हीरो है, आज मुझे टाइगर के बाप के नाम से जाना जाता है। 220 फिल्में करने के बाद भी मुझे टाइगर का बाप कहा जाता है। बता दें कि जैकी श्रॉफ हाल ही में प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म साहो में दिखाई दे रहे हैं। अब जैकी जल्द ही प्रस्थानम में भी नजर आएंगे। लिंकअप की वजह से चर्चाओं में है सुनील शेट्टी के बेटे अहान। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं। उनके अपोजिट तारा सुतारिया नजर आएंगी, लेकिन अहान शेट्टी अपने फिल्मी करियर से ज्यादा रिलेशनशिप की वजह से फिलहाल चर्चा में हैं। अहान की गर्लफ्रेंड का नाम है तानिया श्रॉफ। तानिया के बॉयफ्रेंड अहान संग एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अहान ने आई लव यू लिखकर कमेंट किया है। तानिया श्रॉफ कौन है फिलहाल इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन तानिया और अहान की केमिस्ट्री सुर्खियां बटोर रही है। अहान शेट्टी फिल्म तड़प से इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे। इस फिल्म को मिलन लूथरिया ने बनाया है। फिल्म के मुहूर्त पर भी तानिया श्रॉफ को अहान संग देखा गया था। अहान की फिल्म तड़प तेलुगु फिल्म RX100 का रीमेक है। अहान शेट्टी सोशल मीडिया पर कई बार अपनी गर्लफ्रेंड संग तस्वीरें शेयर कर चुके हैं। अब उन्होंने अपना रिश्ता भी ऑफिशियल कर दिया है। संजीवनी 2 की एक्ट्रेस उर्वी चंद्रा ने शेयर की नई तस्वीरें। टीवी की जानी मानी अदाकारा सुरभि चांदना जहां अपनी अदाकारी से हर किसी का मन जीत लेती है, वहीं अपनी नई नई तस्वीरों और वीडियो के जरिए वह सोशल मीडिया पर भी धमाल मचाती रहती हैं। हाल ही में सुरभि ने एक जबरदस्त फोटोशूट करवाया है जिसमें उनका अंदाज देखने ही वाला है। सुरभि ने लेटेस्ट फोटोशूट में डार्क शेड की लिपस्टिक का इस्तेमाल किया है जो कि उन पर खूब जच रहा है। लेटेस्ट फोटोशूट में सुरभि ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं। इस तस्वीर में वह क्यूट से सोफे पर बैठी दिख रही हैं। सुरभि को ऑफ स्क्रीन भी बन ठन कर रहना काफी पसंद है। सुरभि का स्टाइलिश अंदाज तो हर किसी को पसंद आता है। खतरनाक स्टंट करने से जरा भी नहीं घबराती हैं करिश्मा तन्ना। इन दिनों खतरों के खिलाड़ी 10 की शूटिंग बल्गेरिया में चल रही है। करिश्मा तन्ना लगभग रोज ही इंस्टाग्राम पर खतरों के खिलाड़ी के सेट से कोई ना कोई तस्वीर शेयर करती ही रहती है। हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस दौरान करिश्मा ब्लैक कलर के अवतार में नजर आई। तस्वीर में करिश्मा ब्लैक कलर के टॉप और शॉर्ट्स के साथ डेनिम की जैकेट कैरी किए हुए नजर आ रही है। जिस तरह से करिश्मा टैंकर को पकड़ कर लटकी हुई है, उनको देख कर लग रहा है कि करिश्मा खतरों के खिलाड़ी को छोड़ने का मन तो नहीं बना रही। बता दें कि करिश्मा तन्ना के पैर में चोट लगी हुई है। तस्वीर में उनका घाव साफ नजर आ रहा है। चोट के बाद भी करिश्मा पूरे जी जान से इस खेल में जुटी हुई हैं। 4 महीने में 23 किलो वजन घटाकर किया टीवी में काम। ये उन दिनों की बात है। फेम टीवी एक्टर अतुल वर्मा आजकल अपनी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की वजह से मशहूर है, लेकिन एक समय ऐसा था जब अतुल का वजन 90 किलो तक पहुंच गया था। फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद अपना इतना बड़ा हुआ वजन देखने के बाद अतुल और उनकी फैमिली काफी हैरान थे, लेकिन अतुल ने एक बार फिर खुद को फिट कर लिया है। अतुल ने बताया, एक इंजीनियर के तौर पर मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी उस समय मेरा वजन
63-64 किलो था। दो सालों के अंदर मेरा वजन 63 किलो से 90 किलो हो गया था। मेरे लिए ये काफी शॉकिंग था। अतुल ने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि मेरा इतना वजन कैसे बढ़ गया था। एक दिन मेरे पिता ने कहा, मजा नहीं आ रहा है यार, ये क्या कर रहा है। उस दिन मैंने जॉब छोड़कर अपनी फिटनेस पर ध्यान देने का फैसला लिया। मैंने अपनी डाइट पर ध्यान दिया और हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट करना शुरू किया। 90 किलो से 67 किलो पर पहुंचने में मुझे करीब 4 महीने का समय लगा। बता दें कि फिट होने के बाद अतुल ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। अकेले ही हॉलिडे मनाने निकली हैं सत्यमेव जयते की अदाकारा आयशा शर्मा। जॉन अब्राहम की सुपरहिट फिल्म सत्यमेव जयते से लोगों के बीच मशहूर हुई अदाकारा आयशा शर्मा इस समय विदेश में छुट्टियां मनाने गई हुई हैं। आयशा शर्मा ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लोगों को दी है। आयशा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की है जिनमें उनका अलग अलग अवतार नजर आ रहा है। आयशा शर्मा अपने हॉलीडे पर खुद के साथ वक्त बिता रही है। वो आराम से पूल के पास अकेली बैठी है। आयशा शर्मा ने वेकेशन पर होने के बावजूद भी योगा करना नहीं छोड़ा है। वो अपने दिन से कुछ समय चुराकर योगा करती हैं और अपने आप को फिट रखती हैं। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।